देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सिंगू बॉर्डर से किसानी अंदोलन का अज नौवां दिन है। लगातार खालसा एड वालों जी लोगों की सेवा के दिन रात इतने सेवा निभाई जा रही है। तो रोजाना असं वेख रहे कोई वे सैलीब्रिटी कलाकार जोड़े इतने आते हैं। अज जस बाजवा भी अपनी सेवा के जुटे। तुम वेख सकते हो कि सवेर तो ही जोड़े अज लंगर सेवा के गायक जस बाजवा जुट चुके हैं। ये तस्वीर खालसा एड वालों जोड़ा लगाया गया जो लंगर है उत्थे की हैगी है जिथे जस बाजवा वालों जी है वो सेवा की जा रही। गल कर जस सब तो पहले स्वागत है। बहुत मेहरबानी। बहुत जस की कहना चाहोगे क्योंकि अज नौवां दिन हो गया है ते हले भी कोई उम्मीदा नहीं है छेती कि यह अंदोलन नौवां दिन या नब्बे दिन कदों तब्दील हो सकता है पता नहीं किसी को। लेकिन किस तरीके वेखते हो कि अंदोलन जिहड़ा रूप लिता है वह सही रूप से है? बहुत सही रूप लिता है। मैंने लगता जिवें पंजाब च नहीं दो महीने गुजर के पता लग्या एक पंजाब के लोगों को चा जहा चढ़िया होया सी भी असी एक बुराई के खिलाफ एक जंग छेड़ी है चंगयाई ने चाहे वह किसानी अंदोलन का रूप दे थ्रू हो गया किसानों के थ्रू हो गया क्योंकि अज तक जो सा लीडर है वह तानाशाह के रूप से उन्होंने जाने जाता है कि जो एक बार वो फैसला ले लैंदा तो पिछे नहीं हटता। पर मैं लगता किसान अज आके हिक ते बह गए गोडा रख के भी साढ़े लिए इतों विधान सभा संसद दूर नहीं हैगी जे असी इत्थे आ सकते हैं बुक्कां नाल टोए भर के हत्थां नाल टोए भर के हत्थां नाल रस्से पा के थोड़े आ बैरीगेट पट सकते हैं तो साढ़े लिए दिल्ली इतों 2-20 मिनट का रास्ता है। सो मैनू लगता भी ये जन सैलाब है एक लोक लहर बन चुकी है किसानी संघर्ष तो। सो सारा पंजाब जिवें 2 महीने उत्थे पंजाब च सानू हो गए सी 2.5 महीने हो गए सी शांति मई तरीके असी संघर्ष कर रहे थे इतने भी 9 दिन तो इदा ही हाँ तो इतने भी असी चाहे 9 दिन हो चाहे 90 दिन हो चाहे सानू जिन्ना टाइम मर्जी बहना पै जाए जिन्ना चिर हल नहीं होंगे हूँ अंदोलन इतों पट्टिया नहीं जाऊगा। हूँ इन घेरा पै चुके दिल्ली में यूपी वाले भी आ गए हैं एमपी वाले भी महाराष्ट्र वाले भी तंबूआ के राजस्थान वाले भी चारे पास्यों घेरा पै चुके इन्होंने गलत पंगा ले लिया। जस कल भी मीटिंग हुई है तो कल एक बार फिर जी केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाल मीटिंग होनी है। मीटिंग दे विच कोई लगता है कि कोई हिला निकलूगा? हालांकि कल दे जिहड़ी मीटिंग हुई है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिले है लेकिन लगता है कि छेती इहदा हिला होगा? देखो बिल्कुल निकलूगा क्योंकि नतीजा निकलन तो बिना होर कोई हल है नहीं सरकार कोले। हले तो जे इह बिलां ते ही खड़ जाण वह बहुत वड्डी गल है नहीं तो इन्होंने अपने करजे वाला मुद्दा भी चक लेना भी साडा तां हुण करजा भी इत्थों माफ करके भेजो। सो गलबात करन दे तरीके नाल ही गल्लां दा हल होगा। सो हुण कल नूं मीटिंग होनी है देखदे हां की करदे हां पर पहलां तां जिवें मनदे ही नहीं सी ना हुण कल मनता गए भी हाँ ये बिल तुहाडे लई असीं मनदे हां भी इहनां च कमियां हैगियां ने। सो ये साडी इक वड्डी प्राप्ति है आने वाले दिनां च मैनूं लगदा किसान जथेबंदियां जंग जित के जिन्ने भी भरा इत्थे आए ने जित के जाणगे। जस असी इसे लगातार असं वेख रहे हैं कि मदद के जोड़े हाथ है वो दो की जगह हूँ वधते ही जा रहे हैं वो गुना होंगे जा रहे हैं तो आले दुआले के जोड़े लोग ने ना वो ये गल कह रहे हैं कि भाई जी तुम इतों जाओ ही ना सानू सवेरे जोड़े लोग रात को रोटी खा के नहीं सौंदे सवेरे उन्होंने ऑप्शन मिलती है भी तुम ब्रेकफास्ट ब्रैड खाने ने टोस्ट खाने ने खीर खानी है जां तुसी रसगुल्ले खाने ने मठियाई खानी है ये ऑप्शन मिलती है कि इन्होंने दिती पंजाब के लोगों ने इत्थे आले दुआले के जोड़े बसनीक ने वो सेफ फील करते हो कहते भी जितना चर तुम इतने हो साडियां धीआं भैणां इत्थे सेफ फील कर दियां ने। सो इतो वड्डी साडे लई मैनू नहीं लगता कोई खुशकिस्मती की गल होगी भी साडा जिहड़ा परछावा है उहदे तों भी साडे दुश्मन डरदे सी तां साडे अज रातां जागण करके इत्थे आले दुआले लोग ने जिहड़े सेफ्टी फील करते हैं ये भी एक आप दे आप च इक वड्डी गल है। अच्छा मैं कंगना रनौत को लेकर सवाल करना चाहूँगा कि कल भी असी देखिया कि ट्विटर पर लगातार कंगना रनौत कभी दिलजीत दोसांझ नाल गल की है कभी गिप्पी गरेवाल नाल ते कभी होर आले नाल तुहानू लगता है कि जिहड़े जिस तरीके नाल पिछले तकरीबन 3 महीने तो अगर कंगना रनौत की गल करिए पहला मुंबई पुलिस के नाल पंगा लिता तो यह सारा चीज़ा हो रही है ये कि सिर्फ बॉलीवुड का नशा उन्होंने सिर पर चढ़िया हुआ है कि नहीं नहीं सरकारी टौंट है बीजेपी की टौंट है उन्हें आने वाले दिनों राजनीति च आना है। सो जो बीजेपी उन्होंने कहती है वो ब्योली बोलती है वो कंगना मेरे हिसाब नाल मेरी सोच यह है भी इन्नी तुल नहीं देनी चाहिए। कंगना इस संघर्ष के सामने बहुत छोटी है वह कोई कद नहीं है वो आटे चनून भी नहीं हैगी कंगना साडे लई। सो साडा जिहड़ा फोकस है वह दिल्ली नाल साडी लड़ाई है तो दिल्ली ते ही रहना चाहिए। कंगना जवाब देने लई दलजीत भाई हैगा बहुत वड्डा तो वह कल दा उन्हें ठोकी तुरिया आउंदा है तो साडा सिर्फ ध्यान भटकाउण लई इहो जिहे बयान दवाए जांदे आ। सो उन्हां दा जवाब देण वाले उन्हां कोल बंदे हैगे ने दलजीत भाई हो गया वो बेबे नूं जिन्हां ते टिप्पणी कीती सी 100 रुपए वाली उन्हें उन्हूं कहा भी 700 रुपए दे हिसाब नाल मेरी खेत च आया 13 किलियां दी मैं मालकण। सो कंगना एडा कंगना दा कद एडा वड्डा नहीं भी असीं इत्थे उहदी इन्नी वारी गल करिए। सो मैनूं लगदा भी उन्हूं इग्नोर करके फोकस आ जिहड़ा धरने ते करना चाहीदा।
जस मेरा अखीर सवाल है, हाले 3 दिन हुए ने तुहाडे विआह नूं ते विआह तो बाद सीधा तुसी 2 दिन तुसी फिर सीधा सेवा ते आ गए, एक समा तक घूमन फिरन दा हुंदा ते तुसी इत्थे घूमन फिरन छड के तुसी सेवा दे विच जुट गए? नहीं साडे तां जी इतिहास च लिखिआ वी साडे तां बंदे लावां तों वी उठ के आ गए सी, सो इह तां कोई वड्डी गल नहीं हैगी। साडा संघर्ष है जिहड़ा ओह पहलां सानूं विआह है चाहे ओह साडी आपसी अंडरसटैंडिंग है, मेरी मिसिज है उहने पता सी वी मैं पहले दिन तों संघर्ष नाल जुड़िआ ते उहने मैनूं आप भेजिआ वी तुहाडा जाणा उत्थे बणदा है, सो मैं उहदा वी धन्नवाद करदा हां। आणगे सेवा विच? हां बिल्कुल बिल्कुल आउण वाले दिनां च आउणगे जी, जदों लोड पई तां आउणगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। तुसीं सुनिया कि 2 दिन पहला विआह कराण वाले जस बाजवा अज सीधा सेवा दे विच जुटे ने, ये सेवा दे लई इन्हां ने अपने हाथों दा इंसाफ कहना है कि जिहड़ा अंदोलन है ये अंदोलन दे विच किसे चीज़ दी कोई काट ना आए, लोकां दे जिहड़े लोड़वंद लोक है उन्हां दी सेवा दे विच जिहड़े हथ है वो इसी तरीके नाल मदद दे वधदे रहन, ते इन्हां वल्लों साफ कह दिता गया कि कंगना इस अंदोलन दे सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उसनूं तूल नहीं दिता जाना चाहिए। कल खुद जिहड़े दलजीत दोसांझ उन्होंने उन्होंने ठोकवे जवाब भी दिते ने, साफ क्या है कि कंगना जी बोली बोल रही है वह बीजेपी के टाउट के तौर पर बोली बोल रही है, जो बीजेपी उस कह रही है उस तरीके जो इस तरीके से बयानबाजी कर रही है। कैमरामैन रोहित दे नाल अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्ह चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।